नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है द रीजन बीइंग, जैसे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि यार जॉब नहीं मिल रही है, अभी करंटली जॉब नहीं मिल रही है यार, मैं आया हुआ हूँ, 4 महीने हो गए हैं, जनवरी में आया था, जॉब नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ। ब्रो देखो, जो भी बंदा यहाँ आया है ना, पहली बात तो ना आपको प्लानिंग के साथ आना चाहिए था, जो मुझे लगता नहीं आप में से मोस्टली लोगों ने की। जितने बंदे सोशल मीडिया, यूट्यूब रील्स और पता नहीं किस किस से इन्फ्लुएंस होकर जो आप आए हो ना, उसमें दिक्कत यह है कि ब्रो यू आर नॉट प्लान्ड, कि आपको जब आप आ गए हो यू हैव जीरो प्लान्स टिल नाउ कि आपको प्रोसीड कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या समस्या आ सकती है आपके साथ और कैसे कैसे आपको इन समस्याओं का समाधान ढूंढना है। सबसे पहले जो आती है, पहले आपको घर देखना होता है और जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ पर रेंट प्राइसेस क्या है, कितने स्टूडेंट के साथ स्कैम हो जाता है कि यार वो आए नहीं, उन्होंने घर देखा नहीं है, सोशल मीडिया में चेक किया। यार पहली चीज चेक करो, कोई भी फोटो अगर आपको ब्लड दिखती है, ओरिजिनल नहीं दिखती, हाउ कैन यू लिटरली, आप ही सोचो सोशल मीडिया के जमाने में जब सबके सब HD फोटोज और HD वीडियोज डाल रहे हैं और कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी की पोस्ट डालता है कि माय प्रॉपर्टी इज ऑन रेंट और वो फोटोज ब्लर्ड है, उसमें वो क्लैरिटी नहीं दिख पा रही है, आप ये देखना जब भी ऐसी फोटोज ब्लर्ड होंगी वो होगी, वहां पर आपको जो एवरेज रेंट प्राइस होगा उस रूम का एवरेज रेंट प्राइस से कम हमेशा प्राइस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं GTA में रह रहा हूँ, अगर यहाँ का एवरेज रेंट प्राइस है $900 to $1,000 फॉर अ सिंगल रूम, वहीं मैंने एक पोस्ट देखा $675 का था। जब मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई कि I was like 675 is a good price, मैं जाता हूँ, मैंने वही फेसबुक मार्केट प्लेस से बंदे से पूछा कि भाई कब जाके मैं तेरी प्रॉपर्टी विजिट कर सकता हूँ, उसने कहा प्रॉपर्टी विजिट करने से पहले आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने के बाद $100 का डिपॉजिट करना पड़ेगा टू व्यू माय प्रॉपर्टी। मैंने कहा भाई सुन, मैं टोरंटो में ही रहता हूँ, तो मुझे एड्रेस बता, मैं 1-to-1 आके मिल लेता हूँ, तेरी प्रॉपर्टी देख लेता हूँ, अगर मुझे पसंद आएगी जो भी। तरह कह रहा नहीं, यू कांट मीट मी विदाउट पेइंग $100। माय डियर फ्रेंड, अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है कि आपको प्रॉपर्टी शो करने को भी रेडी नहीं हो रहा, उसके लिए भी पैसे मांग रहा, तो आप समझ लीजिए कि इट्स अ प्रॉपर स्कैम। और आपको ये जानना जरूरी है कि भाई इस स्कैम में आप कैसे नहीं फंसे मेरी जान, क्योंकि आपके साथ ना यहाँ पर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, स्पेशली व्हेन कम्स टू एशियन पीपल दे आर लिटरली, इसमें मेरी कम्युनिटी भी है, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी आसपास के मेरे देश के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, लिटरली ऑल दो पीपल आर हेयर टू मिंट मनी, दे डोंट गिव अ फक कि आप एज अ स्टूडेंट आए हैं या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आए हैं, आपकी अभी फाइनेंशियल हालत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सबके मॉर्गेजेस रेट बढ़ चुके हैं, तो समस्या ये आ रही है इनकी खुद की इनकम इतनी है नहीं, इन्होंने रेंट बढ़ा दी है एग्जॉर्बिटेंट रेट्स में, जहां $700 का रूम था, जिसमें स्पेशली इंडियन कम्युनिटीज तो इतनी शर्म भी नहीं है कि कई बार कितने घरों में जाता हूँ, खाली रूम जिसमें आपको एक बेड गद्दा भी नहीं प्रोवाइड करता होता, लीव द टेबल चेयर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज वो भी प्रोवाइड, उसके लिए भी $700-$800 देने पड़ते हैं। तो मेरा पर्सनली ये कहना है, पहले जब भी आप आते हैं और रूम देखते हैं, प्लीज अवॉइड एशियन पीपल रूम्स, बिल्कुल कहूंगा, ये लोग कहेंगे कि अपने ही लोगों के लिए ऐसा कह रहा है, बट रियलिटी में आपको ये बताता हूँ, दोज पीपल आर नॉट रिच, जो आए हैं प्रिटेंडिंग टू बी रिच, उनके बस की नहीं है कि अपना अगर रेंटर्स ना हो तो मॉर्गेज भी भर लें, उसके अलावा रेंट पे जो रखते हैं वो दे आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड द राइट फैसिलिटीज। वहीं आप किसी कैनेडियन बंदो जो यहाँ पर ऑलरेडी गोरा, जिसको बोलूंगा, अगर किसी गोरे के पास जाकर रहते हैं, उसके यहाँ प्राइस भी आपको सस्ता मिलता है, और गोरे आपको जेन्युइनली बोलता हूँ आपको मोस्टली सारी फैसिलिटीज देते हैं, कोई भी रूम आपको खाली नहीं मिलता, दे यूज टू प्रोवाइड यू ऑल बेसिक फैसिलिटीज, बेड, चेयर्स एंड एवरीथिंग, और उसका प्राइस भी सस्ता मिलता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, लिटरली जब भी मैं किसी इंडियन बंदे के पास गया, उसे फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट मंथ, लास्ट मंथ की पेमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चाहिए उस बंदे को, उसको सब कुछ चाहिए, आपकी जेब से जितना पैसा है ना डॉलर, वो उसे निकाल के रख लेना है, उसके अलावा आपके ऊपर अत्याचार भी करना है, आपके दोस्तों को नहीं रहने देगा आपके, इनफैक्ट अगर कोई दोस्त मिलने भी आता है ना, समटाइम्स आई हैव सीन
पीपल आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड्स यार, आपका दोस्त आपसे मिलने नहीं आ सकता है, आप कहेंगे यार फक दैट शिट ब्रो, ऐसा क्यों? लिटरली इट्स लाइक आपका दोस्त आप कभी आपसे मिलने आए हो घर पे भी नहीं घुसने देते यार, दिस इज वेरी 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 बैड। मैं तो साफ बोलूंगा कि ब्रो रूम के मामले में प्लीज अवॉइड एशियन पीपल, रहना है गोरों के साथ रहो, रूम आपको सस्ता भी पड़ेगा, लिटरली सस्ता पड़ता है, फैसिलिटी ज्यादा रहती है और इतनी बाउंडेशन नहीं रखते कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा ये नहीं करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। मुझे इस कंट्री के अंदर टिल नाउ मुझे एशियन बंदे अच्छे नहीं मिले हैं, मैं ओपनली कन्फेस कर रहा हूँ। लिटरली मनी मीटिंग, लिटरली अगर आप अगर कार भी बाय करने जाते हो, कितने दोस्तों ने जस्ट सो कॉल्ड सो रील्स पे देखेंगे वो बंदे बड़े फेमस हैं और बड़े अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियोज आ रहे हैं कार्स की, दिस एंड दैट, लेकिन जब आप उनके यहाँ से कार बाय करने जाते हो लिटरली ब्रो सेकेंड हैंड कार्स की जो प्राइस है ना आपको न्यू कार के प्राइस से बेची जाती है, क्योंकि आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता, आपका इस्तेमाल किया जाता है ब्रो। तो मैं तो कहूंगा बच के रहना। अब रही बात जॉब की, देखो जॉब की समस्या है, मैं एक वेजिटेरियन बंदा था जब मैं आया था, तो मैंने सोचा था कि भाई मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हर जगह बीफ बेकन और चिकन, दुनिया भर का मतलब मीट की तो इतनी वैरायटी है मेरे बस की ही नहीं है कि भाई मैं मीट टच भी करूँ, मैं करना चाहता भी नहीं था। तो मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर दिया था अपनी तरफ से, मैं कभी काम नहीं करूंगा। तो ऑलरेडी 80% ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हम मोस्टली स्टूडेंट्स काम करते हैं, मैंने कहा आई डोंट गिव अ शिट बॉय, आई डोंट केयर, मैं छोटे मोटे काम करने आया ही नहीं हूँ, आई विल गो फॉर अ गुड कंपनीज। एंड आई वॉज लक्की इनफ, मैंने बहुत जॉब्स को ठुकराया उसके बावजूद भी मुझे जॉब मिलती रही। जैसे मैंने एक वेजिटेरियन बंदे को देखा जिसने आज तक जिंदगी मीट नहीं खाया, उसके पास जॉब नहीं थी, उसने एज अ बुचर काम किया। लिटरली उस बंदे को मैं दाद देता हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मतलब उसने बंदे ने एक घंटे तक मीट काटे जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव। घर से लोन लेकर आया होता 20-25 लाख रुपए का, वो सर पे चढ़ा हुआ है, घर वालों की हालत ठीक नहीं है और यहाँ पर आके उस पर ऑलरेडी प्रेशर था, एंड ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। सो यू कैन सी, यू विल हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंदा जितनी मजबूरी और उससे आया हुआ है ना, वो उतना हाथ पैर मारता और उसको उतनी बेटर जॉब मिल जाती है। इंस्टेड दोज पीपल हु आर कंप्लेनिंग, ऑफकोर्स यार एक जॉब के लिए 100 बंदे अप्लाई करेंगे, आप ये देखिए अगर आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं क्या आपके अंदर कुछ है, कुछ क्वालिटीज हैं जो उस कंपनी को उस एचआर को पसंद आएगी और उसके लिए आपको जॉब ऑफर करेगा वो। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आई एम टेलिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इवन पीपल हु केम एज अ पीआर, मे बी देवर डायरेक्टर्स इन देयर कंपनी इन इंडिया, आई से डायरेक्टर वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट, दे वर्क वर्किंग इन अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल जॉब्स, जब वो यहाँ पर आते हैं ना मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एबल टू लैंड अ गुड जॉब, दैट्स अ हार्श रियलिटी, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। यस दोज पीपल कैन लिटरली ग्रो वेरी फास्ट एक्सपोनेंशियली, द रीजन बिंग दे हैव टैलेंट, दे नो वट दे आर डूइंग, बट आपको समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है और कैसे काम होगा, इस चीज की बहुत जरूरत है आपको समझने की कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है और क्या क्वालिटीज नहीं है और किस तरीके से आप इन काम को कर सकते हैं। अगर देखो नॉलेज नहीं है तो सीखो बेसिक्स नॉलेज के साथ में, और लिटरली कहीं भी जाते हो ना भाई प्लीज, जॉब नहीं है कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन कभी भी जॉब ना होने के कारण ना एक्सप्लॉइट होने वाली जगह पे मत जाना, प्लीज अवॉइड वर्किंग विद इंडियन पीपल एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स। मैंने कितने स्टूडेंट के साथ देख लिया है, आपको फ्री ट्रेनिंग बोलते हैं ब्रो, इस कंट्री में फ्री ट्रेनिंग जैसा सीन ही नहीं है, देयर इज नो फ्री ट्रेनिंग इन दिस कंट्री, कहीं भी काम करो फ्री में ट्रेन होना ही नहीं है, आस्क मनी फॉर इट ब्रो। पता नहीं आप सब कैसे फ्री में काम करने के लिए हाँ कर देते हो, मैं हाँ ही नहीं कर सकता फ्री में काम करने के लिए, मेरे टाइम की वैल्यू है, मेरे टाइम का वर्थ है। मैं आपकी कंपनी में आऊंगा काम करने के लिए तो मैं आपकी कंपनी में एक्स्ट्रा एड ऑन करने वाला हूँ, साफ सीधी बात है मेरे भाई, मुझे अपने टाइम का मनी चाहिए पीरियड। और लिटरली इफ एनी ऑफ, स्पेशली ये सारे कांड हमारे इंडियन बंदे ही कर रहे हैं, इंडियन भाई बंदे कर रहे हैं, दो तीन स्टेट के कम्युनिटी के बंदे ही कर रहे हैं,
और जो कोई आ गया वो जानता मैं किस स्टेट और किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा फैक्ट है यहाँ पर। मैंने लिटरली एक लड़के से बात की जिसने एक महीना काम किया ब्रो, एक इंडियन बंदे के रेस्टोरेंट में, उस बंदे का नाम नहीं चाहता, लिटरली मैं उस बंदे के लिए उस लड़के से बहस भी कर गया, लड़ गया, लेकिन देयर इज नो पॉइंट ब्रो। अब वो बंदा सिटीजन है जिसने एक्सप्लॉइट किया दूसरे स्टूडेंट को, एंड लिटरली दीज ऑल एक्सप्लॉइटेशंस आर डन बाय पीपल फ्रॉम योर ओन कंट्री, फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी, एंड दे डोंट गिव अ फक अबाउट हु यू आर, व्हाट यू डू, दे जस्ट केयर अबाउट मिंटिंग मनी, दे डोंट केयर अबाउट यू। फ्री में काम करना ही नहीं है, फ्री की ट्रेनिंग ऐसी कुछ नहीं, और एक महीने बाद काम करवाने के बाद उसको ये बोल के निकाल दिया गया मेरे दोस्त को कि भाई सुन रिसेशन चल रहा है, इनकम नहीं है, तेरा काम पसंद नहीं आया। व्हाट द फक ब्रो, एक महीने तक काम करवाया, एक भी इनकम नहीं दी, आठ उससे बर्तन भी धुलवाए अपने रेस्टोरेंट में, अपने रेस्टोरेंट की सफाइयां भी करवाई उस लड़के से, उस लड़के ने सारा काम किया। जब वो घर पे आता था ना, उसकी हालत देख के मुझे लगता था फक ब्रो तो इतनी मेहनत क्यों करता है ना, लाइक तो फ्री में भी क्यों काम कर रहा है। उस टाइम उसने एक दो महीने अपने GIC से निकाला, कैसे निकाला हुआ GIC से गॉड नोज, बट ये एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है रिसेशन के चक्कर में। जॉब नहीं है तो लोग फ्री में काम करने के लिए तैयार है कि शायद कुछ कैनेडियन एक्सपीरियंस मिलेगा। आई विल से अवॉइड दोज पीपल, लिटरली बड़े ही मादरचोद जनता है, आपको साफ बोल रहा हूँ। आपका शोषण होगा, आपको लिटरली इतना शोषित किया जाएगा, मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, आपके पास जो इनकम होगी उसको वेस्ट नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर लोगों से बच के रहो। लिटरली आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हो, आपकी बैटल आपको खुद लड़नी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा आपकी बैटल लड़ने के लिए। सो कोई भी डिसीजन लेते हैं आप अपनी लाइफ में, मेक श्योर सोच समझ के लिए। फ्री में काम करना बंद करें, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे जो फ्री में काम करने बैठ जाते हैं, अवॉइड दोज पीपल, अवॉइड दैट मेंटालिटी, साफ कह रहा हूँ। नहीं काम करोगे, फ्री में नहीं काम करना है, पैसे कमाने के लिए, डॉलर्स छापने के लिए आया ना, तो हाउ कैन यू गिव योर टाइम फॉर फ्री इन दिस कंट्री। और आने से पहले लिटरली आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू डू लॉट ऑफ कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बिफोर कमिंग टू दिस कंट्री, बिकॉज दिस लैंड इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहाँ जितनी ज़्यादा स्किल उतनी ज़्यादा इनकम आपके पास रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। If you like my video, feel free to like, share and subscribe. मैं हूँ आपका होस्ट नवीन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।